देश के लिए चिंता में डालने वाली सबसे बड़ी खबर है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पुष्टि की है कि देश में कोरोना से ग्रस्त दो मरीजों की पुष्टि हुई है। एक मरीज दिल्ली का है और दूसरा तेलंगाना में है। दिल्ली वाले मरीज ने इटली की यात्रा की थी, जबकि तेलंगाना में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज ने दुबई की यात्रा की थी। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या इस तरह बढ़कर 5 हो चुकी है। तो हमारे पास टोटल पॉजिटिव केसेस जो भारत में अभी तक टेस्टिंग में पॉजिटिव आए हैं, उनकी संख्या 5 हो गई है। आज हमारे पास दो और पॉजिटिव केसेस, एक केस दिल्ली में और एक केस तेलंगाना में, और जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री है, एक की इटली से और एक की दुबई से। लेकिन चिंता की बात सिर्फ दिल्ली और तेलंगाना तक सीमित नहीं है। राजस्थान में भी कोरोना के लक्षण वाला एक मामला सामने आया है। राजस्थान में कोरोना का जो संदिग्ध मरीज मिला है, वो इटली से आए 20 लोगों के दल में शामिल था। 29 फरवरी को तबीयत खराब होने पर उसकी जांच हुई तो रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन कल रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर अंतिम जांच के लिए सैंपल को पुणे भेजा गया है। इस संदिग्ध मरीज को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। हमने पेशेंट को आइसोलेशन में रखने के लिए SMS अस्पताल के डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दे दिए, और जो 29 तारीख से लेकर आज तक उस ICU के अंदर उस पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आए, संपर्क में आए, उन लोगों की भी टोटल स्क्रीनिंग करने का इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया गया है। इस खबर के बाद अब हड़कंप की स्थिति है। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने कल इस मसले पर हाई लेवल मीटिंग की और कोरोना के खतरे से निपटने के उपायों पर माथापच्ची की। इस संदिग्ध मरीज के संपर्क में आए सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की तैयारी हो रही है। कोरोना वायरस के लक्षण वाले शख्स के कई साथी आगरा गए हैं। आगरा प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी गई है। इटली के दूतावास को इसकी जानकारी दे दी गई है। यकीनन ये चिंता वाली बात है। बड़ा सवाल ये है कि इतने एहतियात के बाद कोरोना संदिग्ध कैसे खुलेआम घूमता रहा।